हथौड़ी ने सिखाया हमारा को सबक। डिंग 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 तुम। ओए ओए ये कैसे हो गया? मेरी खूबसूरत तस्वीर बनाना। ये भी कोई कहने की बात है? ब्रेकिंग न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़, ताज़ा खबर। क्या केनिची युमिको को सामने बिठाकर उसकी तस्वीर बना रहा है? हाँ, वो भी बहुत ध्यान से बॉस। ये केनिची का बच्चा अपना ड्राइंग होमवर्क पूरा करने के लिए युमिको की तस्वीर बना रहा है। देखता हूँ कैसे बनती है तस्वीर। ये इसमें डाला पीला कलर, पीला थोड़ा गीला। अब इसमें थोड़ा सा पतला पेंट मिला दो। अब इसे अच्छी तरह से मिला दो। फिर इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालो। टिक 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 टिक। और ये तैयार हुआ। ये क्या है, दिखने में टेस्टी लग रहा है बॉस। अब इसे लगा देता हूं। ये क्या कर रहे हैं बॉस? हो गया कि हो गया? क्या बॉस, आपने तो कुछ भी ड्रॉ नहीं किया। फंस गया कियो। ये क्या है बॉस? ये निंजा का जादू वाला पेंट है जिसमें ड्राइंग थोड़ी देर के बाद दिखाई देती है। कैसी लगी? लेकिन आपको ड्राइंग करने के लिए मैं ही मिला था। ये गलत है बॉस। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा सुंदर है। कनिची, क्या तुम घर पर हो? ये तो सर की आवाज है। हाँ सर, मैं आ रहा हूँ। हेलो सर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे वाह, क्या बात है, यहाँ पर तो युमिको भी है। मैं असल में यहाँ तुम्हारे पड़ोस में किसी से मिलने आया था। थोड़ा ऐसा थोड़ा वैसा बना दो जैसा तैसा, क्लिंग क्लिंग क्लिंग। तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे भी मिलता चलूँ। चलो बच्चों, अब हम कल स्कूल में मिलेंगे। ओके बाय बाय। ओके बाय सर। मेरे ख्याल से इतना ही काफी होगा। क्लिंग क्लिंग। कितनी अजीब बात है ना। चलो खैर, ये भी खत्म होने ही वाला है। अरे वाह, क्या मैं इसे देख सकती हूँ केनिची? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। जरा मुझे दिखाओ। कैसी लगी? कमाल की है। क्या सच में मैं ऐसी दिखती हूँ? बिल्कुल तुम ऐसी ही दिखती हो युमिको। तुम बहुत बुरे हो केनिची। जाओ, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन क्यों, हुआ क्या है युमिको? उसकी तो बैंड बज गई। बड़ा चला था ड्राइंग बनाने। केनिची उस गंदी सी तस्वीर को सबसे सुंदर बता रहा था। हाय, अब मैं क्या करूं? इतनी खूबसूरती मुझे कहां मिलेगी? हमारा क्या बात है? अरे वाह, यही तो वो खूबसूरती है जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रहा था। कहाँ थी तुम अब तक? कहाँ थी? हमारा, ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? वो खूबसूरती जिसे मैं न जाने कब से ढूंढ रहा था, वो तो मेरे पास ही थी। बगल में छोरी, शहर में ढिंडोरी, मेरा मतलब ढिंडोरा। मुझे ये पहले नजर क्यों नहीं आई? युमिको, क्या तुम मेरी पेंटिंग के लिए पोज दोगी प्लीज? तो हमारा, तुम कितने अच्छे हो, बाकी लोगों से कितने समझदार हो। मैं तुम्हें जरूर पोज दूंगी। ओह शुक्रिया युमिको, मैं तुम्हारी एक शानदार तस्वीर बनाना चाहता हूँ। चलो काम शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन हम बैठेंगे कहाँ? बॉस के दिमाग में इतने खुराफात आते कहाँ से? तुम्हारा मतलब ये सब अमारा की चाल है? इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कोगा निंजा का खास जादू वाला पेंट है। मैंने युमिको की इतनी अच्छी तस्वीर बनाई थी, लेकिन फिर भी युमिको नाराज होकर चली गई। एक निंजा को इस तरह की हरकत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस गलती के लिए मैं उस कोगा निंजा को सबक जरूर सिखाऊंगा। वाह 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 वाह, इस पोज में तस्वीर बहुत सुंदर बनेगी। हिलना मत, हिलना मत। हाँ ठीक है, ये ठीक है, बोलो ना प्लीज। अरे क्या कर रही हो, हिलो मत। ओके। ये हुई ना बात। वाह वाह, तो ये मुर्गा यहाँ कुकड़ुकू कर रहा है। वो भी युमिको की तस्वीर बना रहा है। अभी नहीं नहीं, अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो केनिची। हमारा तस्वीर पूरी हो गई। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें देखो या तस्वीर बनाओ समझ में नहीं आ रहा। मैं डायलॉग क्या जबरदस्त मारता हूँ। चलो अब निंजा टेक्निक से तस्वीर बना देता हूँ। यही सही समय है इस हमारा को मजा चखाने का। अब देखो मेरा कमाल। बाय बाय।
सीधा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और यहाँ से वहाँ, यहाँ क्या पेंटिंग है बाबा? शानदार शानदार, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह, क्या बात है मेरा, क्या बात है, शाबाश शाबाश, बहुत खुश हो रहा टिंग। अब क्या होगा हमारा का? उई माँ, यहाँ तो कुछ गड़बड़ लगती है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मेरी तस्वीर देखने आ जाऊँ? नहीं नहीं नहीं, तुम इधर बिल्कुल भी मत आना प्लीज। मेरे पास मत आना, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे पास मत आना प्लीज। तुमने ये मेरी कैसी तस्वीर बनाई? नहीं नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, मैंने नहीं इसे बनाया, पता नहीं ये खुद अपने आप कैसे बन गई, समझने की कोशिश करो। तुम मेरी खूबसूरती की कितनी तारीफ कर रहे थे और ये क्या बनाया तुमने? जा, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अरे यूमिको, मेरी बात तो सुनो। अच्छा हुआ अब यूमिको इससे बात नहीं करेगी, लेकिन यूमिको तो मुझसे भी कभी बात नहीं करेगी। मुझे नीचे हमेशा कुछ गड़बड़ करता रहता है, हमारा को निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अरे बल्ले भाई कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ शिंजो। ये आपको क्या हो गया? वो बिगाड़ने की वजह से अब मेरा चेहरा नॉर्मल नहीं हो पा रहा। डिंग डिंग, शिशिमानु ने खो दिया कॉन्फिडेंस। डिंग डिंग, ये अब मेरी बारी है, मुझे दो, लाओ मुझे दो। मैं तुम चीटिंग कर रहा हूँ, मेरी बारी है, मुझे दो। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? आराम से बात नहीं कर सकते क्या? हाँ बल्ले भाई। अरे क्या हुआ? खुशबू आ रही है। ऐसा क्या लगता है? मम्मी आज नाश्ते में पनीर टिक्का बनाने वाली है। बल्ले भाई, आपको भी पनीर टिक्का की खुशबू आ रही है? बिल्कुल नहीं। देखा बल्ले भाई को भी कोई खुशबू नहीं आ रही है, तुम्हारी नाक खराब हो गई है शिशिमानु। नहीं शिंजो, एक डॉगी की सूंघने की शक्ति इंसानों से 100 गुना ज्यादा होती है, हो सकता है ये सही कह रहा हो। सुना तुमने? तो चलो उस पनीर टिक्का को मजे से खाते हैं, चलो। तुम चीटिंग कर रहे हो, पहले मैं खाऊंगा, मैंने कहा था पहले मैं खाऊंगा। ये दोनों भी ना बस हमेशा शोर करते रहते हैं। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मुझे भी मुझे भी। अरे ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा शिशिमा ने झूठ क्यों बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। खुशबू वहाँ से आ रही है, चलो। क्या मम्मी कमरे में पनीर टिक्का बना रही है? मम्मी मम्मी कहाँ हो तुम? पनीर टिक्का? अरे ये इसलिए, अरे ये तो बुरी तरह जल गई। बल्ले भाई, डिंग 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 डिंग, क्या हुआ शिंजो? ओह नो, ये क्या, जलता हुआ कपड़ा बचाने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग, डिंग डिंग। अरे वाह क्या बात है, अरे क्या शोर मचा रखा है, क्या हुआ? मम्मी ये देखे क्या हो गया? ओ नहीं, इससे हादसा हो सकता था, लेकिन बल्ले भाई ने सब संभाल लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हथौड़ी, मैं इस्त्री को स्विच ऑन करने के बाद स्विच ऑफ करना तो भूल ही गई थी। आग लग जाती तो सबके बैंड बज जाते। मैं अचानक पड़ोस में चली गई थी, मुझे माफ कर देना बच्चों, आगे से मैं जरूर ध्यान रखूंगी, ठीक है? आप इतनी माफी मत मांगिए मम्मी। नहीं सच में हथौड़ी, तुमने हादसा होने से बचा लिया। नहीं नहीं, इसकी स्मेल पहले शिशिमानु को आई थी। ठीक है, अब मुझे ऐसे मत देखो, मैंने तो बस अपनी ड्यूटी पूरी की है। शिशिमानु तुम्हें तो लगा था ये खुशबू पनीर टिक्का की है, लेकिन सुंगा तो पहले मैंने ही था ना। ऐसा क्या, शुक्रिया, मैं घर आ गया हूँ। हाय कनिजी। हाय। अरे आप सब लोग यहाँ जमा होकर क्या कर रहे हो? पता है क्या हुआ अभी अभी शिशिमानु ने? क्या हुआ लेकिन? कनिजी मुझे युमिको की खुशबू आ रही है, वो यहीं आ रही है। क्या सच में? तुम्हारा स्वागत है युमिको। शुक्रिया बेटा। अरे मिसेज यमाड़ा, आप यहाँ, क्या हुआ? तो फिर युमिको कहाँ है? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, मैं तो अकेले ही आई हूँ। शिशिमानु तुमने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। क्योंकि आंटी की शक्ल काफी हद तक युमिको से मिलती है ना। पर शक्ल तो नहीं मिलती। शिशिमानु क्या हमेशा गड़बड़ करते हो? देखो अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, उस डिब्बे में बहुत सारे चॉकलेट रोल रखे हुए हैं। मेरे पति बाहर गए थे, ये भी वो वही से लाए हैं, ये लो तुम्हारे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज अपने पति को मेरी तरफ से भी थैंक यू कह देना। यू आर वेलकम बेटी, चलती हूँ। मम्मी जल्दी से खोल कर देखो ना। हाँ हाँ खोलती हूँ। चॉकलेट रोल्स है, वो मुझे खाने है। अरे ये तो मावा के पेड़े हैं। पिछली बार तुमने सूंघने में गलती की शिशिमानु। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन चॉकलेट रोल्स की खुशबू सूंघने में जब गलती हो गई तब तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सब ठीक तो है ना शिशिमानु, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? मुझे भी यही लगता है। तो फिर उसे डॉक्टर को दिखाने ले चलें क्या? डिंग डिंग, कोई बात नहीं कैनिची,
एक बार तो सभी बीमार पड़ते हैं। डिंग डिंग, अरे अभी तो शिशुमान नहीं आई था, कहाँ चला गया वो? शायद वो बाहर गया है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। और फिर क्या हुआ? अगर मैं अपनी पसंदीदा खाने की खुशबू नहीं पहचान सकता तो मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे गांव चले जाना चाहिए। शीशी मानू, ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तुम वापस जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? लेकिन मेरी सूंघने की शक्ति करीब करीब खत्म हो गई है। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो सब पहले जैसा ही हो जाएगा, चलो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है हथौड़ी। शीशी मानू, सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है ना? कैसी ट्रेनिंग? ट्रेनिंग के नाम से मुझे बहुत डर लगता है। तो चलो शीशी मानू, तुम्हें इन कटोरियों के नीचे रखे खाने को सूंघ कर बताना है कि वो क्या है। ये बात है, पता नहीं क्या है। हा? मुझे इसकी कोई स्मेल नहीं आ रही है। केनिची, बताओ इनके नीचे तुमने क्या रखा है? इसके नीचे पनीर है, इसके नीचे नमक और इसके नीचे अंडा। केनिची, जब ये सूंघने की शक्ति खो चुका है तो इन चीजों को रखने का कोई फायदा नहीं है। केनिची, शिशिमानु की आंखों पर पट्टी बांध दो, जल्दी। ओके हथौड़ी। तो आओ शिशिमानु। जो चाहो कर लो। ये लो। चलो अब शुरू करते हैं। शिशिमानु, क्या तुम्हें किसी चीज की स्मेल आ रही है? हाँ। बताओ ये किस चीज की स्मेल है? ये तो पेड़े नहीं है, ये तो चॉकलेट रोल है, मेरा फेवरेट चॉकलेट रोल। सही कहा, अब इसे पहचान कर बताओ। ये बनाने की स्मेल है। सही कहा, अब इसे स्मेल करो। और ये तो लहसुन की स्मेल है। बहुत बढ़िया, अब अपनी पट्टी खोल दो। तुमने सारी चीजें सही बताई हैं शिशिमानु, मतलब तुम्हारी सूंघने की शक्ति बिल्कुल ठीक है। क्या हथौड़ी, तुम सच कह रहे हो ना? अब मुझे गांव वापस नहीं जाना पड़ेगा। हाँ सही कहा। खुशबू आ रही है। मेरी नाक बता रही है कि मम्मी पनीर टिक्का बना रही है। कहीं दोबारा कपड़ा तो नहीं जा रहा? कहीं से तो स्मेल आ रही है। ना, इस बार मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी इस नाक पर विश्वास करो। हम जानते हैं तुम झूठ नहीं बोलते हो। बच्चों जल्दी से नीचे आओ, मैंने सबके लिए पनीर टिक्का बनवाया है। मैंने कहा था ना। यमी, बहुत यमी है। ठीक से खाओ ना, क्या कर ले हो? थोड़ी तुमने अब इसे ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया है। अरे कोई बात नहीं दोस्तों, कम से कम इसका कॉन्फिडेंस तो वापस आ गया, जिसकी वजह से कितना निराश हो गया था। डिंग डिंग, हर किसी को चाहिए मम्मी का प्यार। डिंग डिंग। कहाँ भाग रहे हो शिशिमानु? अभी पकड़ता हूँ तुम्हें। यहाँ शोर मत करो बच्चों, जाओ जाकर बाहर खेलो, जाओ। ओके कबड्डी। अरे शिंजो, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? ऐसे ही। तुम बाहर जाकर सबके साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं दर्द हो रहा है क्या? नहीं मम्मी, कुछ दर्द नहीं हो रहा। एक मिनट, मैं खुद ही देख लेती हूँ। तुम्हें तो तेज बुखार है शिंजो, तुम्हें तो आराम से बिस्तर में लेटे रहना चाहिए। चलो उठो, चलो मेरे साथ। मैं ठीक हूँ मम्मी, कुछ नहीं हुआ। क्या ठीक हो? तुम्हें इतना तेज बुखार है और तुम कह रहे हो तुम ठीक हो? चलो उठो जल्दी से। शिंजो देखो, डॉक्टर अंकल तुम्हारा इलाज करने आए हैं। अरे बाबा, क्या आपने इसका बुखार नापा था? हाँ नापा था, सुबह 103 बुखार था डॉक्टर। बेटा जरा अपना जीप तो निकालो। अब जरा जोर से आ बोलो नी। बड़ी शाही परेशान होने की कोई बात नहीं मैडम, आपके बेटे को थोड़ा सर्दी हो गया है और कुछ नहीं। अच्छा, अभी मैं चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बाबा ये तो मेरा फर्ज है नी। मैं आ गया मम्मी। हाँ? कहने जी। मम्मी आपने डिनर तो तैयार कर लिया है ना? बहुत जोर की भूख लगी है। आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया बेटा, शिंजो को सर्दी लग गई और उसे तेज बुखार भी है। क्या, शिंजो को सर्दी लग गई? हाँ, और मुझे उसे ढक कर रखने को कहा था, मैं जाकर देख कर आती हूँ। मम्मी लेकिन फिर आज डिनर का क्या होगा? मैंने कहा ना कहने जी, मैंने आज डिनर में कुछ नहीं बनाया है। क्या? वहाँ शिंजो सर्दी से बीमार हो गया और यहाँ हमारी हालत भूख से खराब है। ठीक है तो फिर तुम लोग इंस्टेंट नूडल्स बनाकर खा लो। ठीक है। मुझे किसी चीज की महक आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसमें कुछ टेस्टी है। अरे ये नूडल सूप तो जल रहा है। वाह वाह, नूडल सूप मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत पसंद है। स्वाद तो बिल्कुल ठीक है। शिंजो गर्मा गर्म सूप पीने के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या? शिंजो थोड़ा सब्र कर लो, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। भले, मैं मुझे पानी पीना है। डिंग डिंग, ये लो।
शिंजो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए नूडल सूप लेकर आई हूँ, इससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। चलो शिंजो, अब सूप पीने के लिए अपना मुंह खोलो बेटा। हाँ, अच्छा है ना? हाँ। चलो शिंजो बेटा, अब एक और बार अपना मुंह खोलो। हाँ। इस शिंजो के तो बड़े मजे हैं। हमें यहाँ खाने को नहीं मिल रहा और वो नूडल सूप पी रहा है। मैं ये सहन नहीं करूँगा। निनिंग, ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? हतौड़ी, मम्मी आज उस शिंजो की कितनी देखभाल कर रही हैं। तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा क्या केनिची? अच्छा कैसे लगेगा, मम्मी ने सिर्फ शिंजो के लिए ही टेस्टी नूडल सूप बनाया है और हमारे लिए नहीं। वो इसलिए क्योंकि शिंजो की तबीयत ठीक नहीं है केनिची। नहीं, मम्मी अब हमसे प्यार ही नहीं करती है। हतौड़ी, मैं भी पालतू डॉगी बन गया हूँ यहाँ पर। चलो यहाँ से शीशी मानो। चलो, कुछ करना पड़ेगा। हो गए नाराज। हाँ, चलो हतौड़ी, अब जल्दी से अपनी निंजा टेक्निक दिखाओ। ये पत्तियों पर कूदकर नदी पार करने की निंजा टेक्निक है। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, क्या बात है हतौड़ी, मजा आ गया। याद रखना, इस टेक्निक को इतनी जल्दी करना पड़ता है ताकि एक पत्ती जिस पर आप खड़े हो वो डूबने न लगे और आप आराम से नदी पार कर सकें। समझ गए दोस्तों? अरे वाह, काश मैं भी ऐसी ही कोई निंजा टेक्निक कर पाता और सबके होश उड़ा देता। पत्तियों पर कूदकर नदी पार करने की निंजा टेक्निक। वाह, क्या बात है केनिची। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैं भी बड़ी आसानी से कर सकता हूँ ये टेक्निक। पानी निकालने की निंजा टेक्निक। तुम ठीक तो हो ना केनिची, तुमने ऐसा क्यों किया? ओह हतौड़ी, मुझे ठंड लग रही है। गर्मा गर्म खाना आ गया बच्चों। शिंजो, अपना मुंह खोलो। लो केनिची, तुम भी अपना मुंह खोलो। परेशान मत होना केनिची, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वो बात नहीं है मम्मी। तो क्या बात है केनिची? मैं आपसे ये सोच कर नाराज था कि आप सिर्फ शिंजो को ही बहुत प्यार करती हैं। अरे, बीमारी में सबको देखभाल की जरूरत होती है। आपने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, चलो अब जल्दी से इसे खाओ और फटाफट ठीक हो जाओ। चलो मुँह खोलो, बोलो आ। मम्मी, जब मैं इसके साथ नहीं था तो ये पानी में गिर पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है हतौड़ी, मुँह खोलो केनिची। अरे शिंजो, तुम्हें खिलाना तो मैं भूल ही गई बेटा। आप मेरा ध्यान क्यों नहीं रख रहे? मुझे माफ कर देना शिंजो। और मेरा ध्यान रखने वाला तो यहाँ जैसे अब कोई है ही नहीं। मैं जाता हूँ, बस अब और नहीं पीऊंगा। ये क्या? जिंग जिंग, क्या हुआ पापा, आप यहाँ पर अकेले बैठे क्या कर रहे हैं? मम्मी आज खाने में कुछ नहीं देने वाली है तो मैंने सोचा थोड़ा जूस ही पी लूं। अरे वाह, क्या मैं आपको कंपनी दूं पापा? पापा जूस पियेंगे और मैं खाऊंगा अपने चॉकलेट रोल्स। ये लो पापा। तुम यहाँ बैठकर चॉकलेट रोल्स खाओगे? ठीक है पापा, मजे करते हैं। इस घर में हर किसी को मम्मी की देखभाल की बहुत जरूरत है। डिंग डिंग।